इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। पहले सुर्खियां। आज आखिरकार ज़मीनी इंतखाबात हो गए, वोटिंग फीसद में भारी गिरावट, कोरोना का बढ़ता खतरा, लक्ष्मी है बाकर, अमरनाथ जारकीहोली, लक्ष्मण सऊदी, कुमार स्वामी सभी कोरोना पॉजिटिव, कोरोना को लेकर क्या फिर सख्तियाँ होंगी। इससे पहले अहम मौजू पर एक नज़र। कोरोना का कहर जारी है, कुंभ में आज भी 5000 से भी ज्यादा पॉजिटिव पाए गए। खैर यह आस्था का विषय है, इस पर ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जमात के लोग हों तो उस पर कोई तबसरा हो सकता है या तो फिर डिबेट हो सकती है। खैर आज भी किसी धर्म को लेकर इंसाफ का तराजू किस कदर डगमगाता है देख सकते हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़कर तिरंगा उतार कर मखसूस मजहबी परचम लहराने वाला और तशद्दुद फैलाने वाले दीप सिद्धू को आज दिल्ली कोर्ट से जमानत मिल गई। वही दूसरी तरफ शाहरुख पठान जो कि पिछले 13 महीने से दिल्ली दंगे के इल्जाम में जेल में बंद है और 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज भी कर चुकी। यदि शाहरुख के हाथ में कट्टा होना यानी कि रिवॉल्वर होना ही उसको सजा देने के लिए सबूत के तौर पर काम कर रहा है तो दीप सिद्धू के खिलाफ भी तो सबूत उसकी तस्वीरें में कैद है जिसमें वह जनता को भड़काता हुआ दिखाई दे रहा है, लाल किले पर मजहबी परचम फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। वह तस्वीरें भी बाकायदा DSLR कैमरे में है। यही नहीं, शाहीनबाग में NRC CAA एहतजाजियों पर गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को तो 1 महीने में ही जमानत मिल गई। उसके हाथ से कट्टा भी पुलिस ने ही छीना था। मीडिया ने DSLR के साथ उसके हाथ में कट्टी की मौजूदगी के दौरान तस्वीरें क्लिक की थी। तीसरा मामला जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबाओं का जो कि जामिया से राजघाट के पैदल मार्च लेकर निकले थे लेकिन होली फैमिली हॉस्पिटल के नजदीक पुलिस की मौजूदगी में जामिया तलबाओं पर यानी कि शादाब के हाथ पर गोली मारकर घायल कर देता और उससे पुलिस नतमस्तक होकर देखती है। उस गोली चलाने वाले को तो कोई नहीं पकड़ता। यह कब गोली चलाए और इसके साथ से पिस्तौल कब छीनी जाए, गोपाल की गोली से यानी कि गोपाल उसका नाम, गोपाल की गोली से जामिया का जो तालिब इल्म था बुरी तरह से जख्मी हुआ था। जख्मी शख्स शादाब था और गोपाल के हाथ में पिस्तौल की मौजूदगी के दौरान रॉयटर्स के दानिश सिद्दीकी ने DSLR में तस्वीरें खींच ली थी, क्लिक भी की थी, जिनको बाद में शाया भी किया गया था। लेकिन इन तीनों दंगाइयों की तस्वीरों में कैद होने वाली करतूतें सजा देने के लिए आधार नहीं है क्योंकि जमानत उनका अधिकार है यानी कि जमानत उन्हें मिलना चाहिए लेकिन शाहरुख पठान को जमानत नहीं देनी चाहिए। शाहरुख पठान जैसे लोगों को सजा ही के वो हकदार हैं। अगर आपको याद होगा कि 3 महीने पहले कड़कड़ूमा कोर्ट की अदालत ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि शाहरुख का आदत और अखलाक देखने के लिए ये तस्वीर ही काफी है जिसमें वह हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा है और तस्वीर डर भी पैदा करती है, इसलिए उसकी जमानत अर्जदाद को खारिज किया जाना चाहिए और खारिज किया गया। अब दिन पहले ही शाहरुख की जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज कर दी गई क्योंकि यूनियन टेरिटरी में फैसले सुना रहे जजों के एक ही तरह के मामलों में अकलियती तबके से ताल्लुक रखने वालों के लिए जमानत उनका हक नहीं है लेकिन अक्सरियत तबके का जमानत अधिकार है, उनका हक है, इसलिए उन्हें 1 महीने में ही जमानत दे दी जाती है और शाहरुख को सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाता है। देखिए जज साहब, हर मुजरिम को जमानत लेना उसका हक है और यह हक हमने या आपने नहीं बल्कि जो फिलहाल इस देश में कुचले जा रहे देश के संविधान ने दिया है, लेकिन जमानत का हक बहुसंख्यक समुदाय यानी अक्सरियत को ही हासिल हो रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के अकलियती समुदाय को सजा ही उनका हक है यह दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यही छाप छोड़ी जा रही है। वाजा रहे कि अगले 5-10 सालों में दीप सिद्धू किसी लोकसभा सीट से चुनकर MP या MLA बनकर भेजा जाएगा और शाहरुख को बहुत जल्द हो सकता है कि उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है क्योंकि उसकी सजा के लिए उसकी तस्वीर ही काफी है जो सजा देने के लिए एक सबूत के तौर पर पेश की जा रही है और दीप गोपाल कपिल की तस्वीरें जेल में रखने या सजा देने के लिए सबूत का काम नहीं कर रही बल्कि उन्हें तो संसद या विधानसभा भेजने के लिए सबूत के तौर पर काम कर सकती है। शायद बदकिस्मती से यही हमारे मुल्क में हो रहा है।
कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। बेलगाम में भी 200 के करीब पॉजिटिव पाए जाने की खबर हासिल हो रही है, पर कोरोना के मद्देनजर जिन शक्तियों को हुकूमत आयद कर रही है इस पर आवाम मुख्तलिफ राय पेश कर रही है, जिसमें इंतजामिया की जानिब से मास्क, सैनिटाइजर या थर्मल स्कैनिंग पर सियासी लीडरों को क्यों नहीं, क्या पाबंदियां महज गरीब आवाम को ही है, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। कुंभ के मेले को लेकर दुनिया भर में भारत बदनाम हो रहा है, पर यहाँ सियासतदान मोटी चमड़ी के हैं, इन्हें कुछ भी कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर, सियासी इजलास, सियासी रैलियां मुकम्मल होने के बाद ही फिर सियासी लूडरों को लॉकडाउन या रात का कर्फ्यू याद आता है। इससे पहले कितना भी आप चिल्लाओ कुछ फायदा नहीं होने वाला, पर गरीब आवाम कुछ ईद त्योहार के दौर में छोटे मोटे कारोबार के जरिए गुजर बसर करना चाहती है तो इन पर सख्तियां बरती जाती है। खैर, आज बेलगाम लोकसभा के लिए जमीनी इंतखाबात अमल में आए। गोकाक में लोगों की भीड़ बजाय पोलिंग बूथ के वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा नजर आई, पर वैक्सीनेशन की कमी से कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिले, वही वोटिंग बूथ खाली नजर आए। बेलगाम में कोरोना क्या वाकई बढ़ रहा है, ऐसा सवाल भी अक्सर लोगों की जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान कोई पॉजिटिव नहीं होता तो सभी चुनाव के बाद ही पॉजिटिव हो जाते हैं। खैर, चुनाव के एक दिन पहले कई लीडरों को कोरोना ने पकड़ लिया है। एचडी कुमारस्वामी, लक्ष्मण सवदी, लक्ष्मी अबाड़कर, रमेश जारकीहोली के फर्जन अमरनाथ जारकीहोली भी अब पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जिस कदर पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहां में भी किसी तरह का डर तो नहीं देखा जा रहा, कहीं पर भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही। आज चुनाव के दिन भी कहीं पर ये दिखाई नहीं दिया। मंगला अंगड़ी ने भी मंदिर में जाकर हल्दी कुमकुम की रस्म अदा की, जिसमें भी कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते नहीं देखा गया, जबकि काफी भीड़ वहां पर मौजूद थी। कोरोना का भी मामला अजीब है, गरीबों पर कहर बनकर बरसता है तो अमीरों पर काफी मेहरबान दिखता है। आज फिर रियासत की जानिब से सख्ती बरतने का इशारा दिया गया। खैर, इतना तो जरूर है कि कोरोना का अपने मुफाद के लिए, चुनावी फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। खैर, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।